हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स में। फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो में IOCL रिक्रूटमेंट का फॉर्म फिलअप के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। IOCL रिक्रूटमेंट का फॉर्म आप लोग कैसे फिलअप कर सकते हो, उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट चलते ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो फ्रेंड्स, ये है IOCL का ऑफिशियल वेबसाइट जो आप लोग देख पा रहे हो। तो फ्रेंड्स, फॉर्म फिलअप स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको आने वाले सारे अपडेट मिल सके, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि बाकी लोगों को हेल्प हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्म फिलअप के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट आपको इसी वेबसाइट पे आना है। आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीच पे जाना है और उसके बाद आपको करियर टैब पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगी जिसमें फर्स्ट आपको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीच पे जाना है और उसके बाद आपको लेटेस्ट जॉब ओपनिंग्स ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने फर्स्ट दिख रहा है कि रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल, जिसमें आपको क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन ऑप्शन दिख रहा है, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक विंडो ओपन होगा जिसमें आप जिस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो आपको यहीं से सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद आपको प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगी जिसमें आप लोग जिस पर्टिकुलर रिफाइनरी के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो आपको यहीं से सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपको प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अप्लाई नाउ ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगी जिसमें फर्स्ट आपको आपका नेम फिल करना है, उसके बाद आपका जेंडर यहीं पे मेंशन करना है, नेक्स्ट आपको मेरिटल स्टेटस मेंशन करना है, और उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यहीं पे फिल करना है, और नेक्स्ट आपको आपका फादर्स नेम मदर्स नेम यहीं पे फिल करना है, उसके बाद आपको रिलीजियन यहीं पे फिल करना है, नेक्स्ट आपको आपका कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है, नेक्स्ट आपको आपका स्टेट ऑफ डोमिसाइल यहीं से सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर आप लोग SC ST OBC कैंडिडेट हो तो उसका डिटेल्स आपको यहीं पे फिल करना है, और उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट या तो EWS सर्टिफिकेट का जो इशू डेट है वो आपको यहीं पे मेंशन करना है, और उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी का नेम आपको यहीं पे मेंशन करना है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर आप लोग PWD कैंडिडेट हो तो उसका डिटेल्स आपको यहीं पे फिल करना है, बट इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप लोग देख पा रहे हो कि कोई भी PWD कैंडिडेट के लिए एक भी वैकेंसी नहीं है, तो इसीलिए इसमें ये दिखा रहा है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर आप लोग एक सर्विसमैन कैंडिडेट हो तो उन लोगों के लिए ये सिलेक्ट करना है, और ये सिलेक्ट करने के बाद आपको आपका सर्विस का डिटेल्स यहीं पे फिल करना है, और अगर आप लोग एक सर्विसमैन कैंडिडेट नहीं हो तो उन लोगों के लिए नो सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर आपको किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी या तो PSU में अनफिट डिक्लेयर किया गया है तो उस केस में आपको यहीं से ये सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको अनफिट डिक्लेयर नहीं किया गया है तो उस केस में आपको यहीं से नो सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर आप लोग IOCL प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल फिटनेस गाइडलाइंस को सेटिस्फाई नहीं करते हो तो उस केस में आपको यहीं से ये सिलेक्ट करना है, और ये सिलेक्ट करने के बाद आपको उसका डिटेल्स यहीं पे फिल करना है। अगर आप लोग सेटिस्फाई करते हो तो उस केस में आपको यहीं पे नो सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, उसके बाद आपको आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस का डिटेल्स यहीं पे फिल करना है, और उसके बाद आपको आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहीं पे फिल करना है, और उसके साथ आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन यहीं पे फिल करना है, और फिल करने के बाद आपको आपका सिग्नेचर का स्कैन कॉपी यहीं पे अपलोड करना है, और उसके बाद आपको आपका फोटो का स्कैन कॉपी यहीं पे अपलोड करना है। ये सब इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का डिटेल्स यहीं पे फिल करना है। फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे होंगे कि क्वालिफिकेशन ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुकी है, क्योंकि जिस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ उसके रिलेटेड जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो यही मांगा गया था, तो इसी की वजह से बाय डिफॉल्ट यही शो कर रहा है, बट अगर आप लोग चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो आपके हिसाब से। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर आप लोग डिप्लोमा फुल टाइम करके रखे हो तो उस केस में आपको ये सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद अगर आप लोग पास आउट हो चुके हो तो उस केस में आपको यहीं से ये सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप लोग पास आउट नहीं हुए हो तो उस केस में आपको यहीं से नो सिलेक्ट कर लेना है, और नो सिलेक्ट करने के बाद आपको आपका इंस्टीट्यूट का नेम यहीं पे फिल करना है, और उसके बाद आपका एजुकेशनल बोर्ड का नेम यहीं पे फिल करना है। नेक्स्ट आपको आपका एडमिशन का मंथ और ईयर यहीं पे मेंशन करना है, और उसके बाद आपका पासिंग ईयर और मंथ का डिटेल्स आपको यहीं पे फिल करना है, और फिल करने के बाद आपका ड्यूरेशन ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपको आपका हर एक सेमेस्टर का डिटेल्स यहीं पे फिल करना है, और उसके लिए आपको ईयर वाइज या तो सेमेस्टर वाइज चूज कर लेना है, और उसके बाद आपको सेमेस्टर नंबर यहीं से चूज कर लेना है, और आपको उस पर्टिकुलर सेमेस्टर में कितना मार्क्स मिला है वो आपको यहीं पे फिल करना है, और उसके बाद आपका टोटल कितना मार्क्स का एग्जाम हुआ था वो आपको यहीं पे फिल करना है, और फिल करने के बाद आपको एड रिकॉर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है,
और क्लिक करने के बाद आप लोग देख पा रहे हो कि कितना एग्रीगेट मार्क्स ऑलरेडी फिल हो जाएगी और उसके बाद आपका एग्रीगेट मार्क्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। इस तरीके से आपको हर एक सेमेस्टर का मार्क्स यहीं पे फिल करना है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हर एक सेमेस्टर का डिटेल्स फिल करने के बाद अगर आप लोग बीबीटेक एमबीए या तो सीए एलएलबी एमसीए कोर्स करके रखे हो तो उन लोगों के लिए यहीं से ये सिलेक्ट करना है। अगर आप लोग नहीं किए हो तो उस केस में आपको यहीं पे नो सिलेक्ट कर लेना है और करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको आपका एक्सपीरियंस का डिटेल्स यहीं पे फिल करना है, जिसमें फर्स्ट आपको आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप यहीं से चूज कर लेना है और उसके बाद आप लोग किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन पे काम किए उसका डिटेल्स आपको यहीं से चूज कर लेना है। नेक्स्ट आपको आपका ऑर्गेनाइजेशन का नेम यहीं पे फिल करना है। उसके बाद आपका जॉब डिस्क्रिप्शन यहीं पे फिल करना है, यानी कि आप लोग किस तरीके का काम किए उसका डिटेल्स आपको यहीं पे फिल करना है। उसके बाद आपका डेजिग्नेशन क्या था वो आपको यहीं पे फिल करना है। उसके बाद आपको आपका ज्वाइनिंग डेट यहीं पे फिल करना है। नेक्स्ट अगर आप लोग अभी भी प्रेजेंट में काम कर रहे हो तो उसका डिटेल्स आपको यहीं पे फिल करना है, बट कैलकुलेट किया जाएगा 30 सितंबर 2021 तक। इसमें आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है उसी का डिटेल्स आपको यहीं पे फिल करना है, क्योंकि वही सिर्फ इसमें काउंट होगा। ये सब इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको ऐड अबव एक्सपीरियंस डिटेल्स ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक्सपीरियंस का डिटेल्स यहीं पे ऐड हो जाएगी और फ्रेंड्स यहीं पे आपको एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगी और उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने फी पेमेंट करने का डिटेल्स ओपन हो जाएगी। अगर आप लोग एससी एसटी या तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो उन लोगों के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखा गया है। आप लोग जब कैटेगरी फिलअप करने के टाइम आपका जो कास्ट का डिटेल्स है वो आप लोग फिलअप करोगे तो उसके बाद आपका फी पेमेंट में वो जीरो दिखाएगा। और फ्रेंड्स आपको एप्लीकेशन फी एसबीआई ई कलेक्ट वेबसाइट के थ्रू पे पेमेंट करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको आई हियर बाय ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको वैलिडेट नाउ ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगी और उसके बाद आपको डाउनलोड्स ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको आपके एप्लीकेशन नंबर यहीं पे फिल करना है और उसके बाद आपको क्लिक हियर टू सेंड ओटीपी ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगी और उसके बाद आपको आपका डेट ऑफ बर्थ फिल करना है और उसके बाद आपको कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको व्यू एप्लीकेशन फॉर्म ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपको फी पेमेंट करने के लिए इसी वेबसाइट पे आना है। आने के बाद आपको आई हैव रीड टर्म्स एंड कंडीशन ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको स्टेट ऑफ इंस्टीट्यूशन सिलेक्ट करना है, जिसके लिए आप लोगों को ऑल इंडिया सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन में पीएसयू सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको गो ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको पीएसयू का नेम यहीं से सिलेक्ट कर लेना है, जिसमें आपको इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग जिस पर्टिकुलर रिफाइनरी के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका डिटेल्स आपको यहीं पे फिल करना है और फिल करने के बाद आपको आपका एप्लीकेशन नंबर यहीं पे फिल करना है। उसके बाद आपका नेम फिल करना है। एप्लीकेशन नंबर आपको एप्लीकेशन फॉर्म का पीडीएफ से मिल जाएगी और उसके बाद आपको पोस्ट कोड के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म का पीडीएफ से मिल जाएगी और उसके साथ आप लोग इस जो पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके रिलेटेड जो पोस्ट कोड है वो आपको पीडीएफ में दिया हुआ है, जो आप लोग यहीं से कलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको आपका डेट ऑफ बर्थ यहीं पे फिल करना है। नेक्स्ट आपका फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको यहीं पे फिल करना है। उसके बाद अगर आप लोग कुछ रिमार्क्स में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अगर आप लोग नहीं लिखना चाहो तो उसको स्किप भी कर सकते हो। और नीचे में आपको आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी फिल करनी है। उसके बाद आपको कैप्चा फिल करनी है। ये सब इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको कॉन्फर्म ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगी, जिसमें आप लोग आपका एप्लीकेशन फी का पेमेंट नेट बैंकिंग या तो कार्ड के थ्रू पे कर सकते हो और उसके साथ आप लोग अगर आप लोग चाहो तो यूपीआई थ्रू पे भी कर सकते हो। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग नेट बैंकिंग या तो कार्ड के फीस पेमेंट करना। अगर आप लोग यूपीआई से फीस पेमेंट करते हो तो उस केस में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग नेट बैंकिंग या तो कार्ड के थ्रू भी आपका एप्लीकेशन फी पेमेंट करना। फ्रेंड्स अगर आपका पेमेंट किसी नेटवर्क इशू की वजह से फेल हो जाता है तो आप लोग 48 आवर्स वेट कर लेना और 48 आवर्स वेट करने के बाद आप लोग दोबारा पेमेंट के लिए ट्राई करना। तो फ्रेंड्स ये है इस वीडियो का डिटेल्स। मैं अप्लाई करने का लिंक और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। अगर आप लोगों ने इस फुल नोटिफिकेशन का वीडियो को देखे नहीं हो तो आप लोग मेरे चैनल से चेक कर सकते हो। मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से चेक कर सकते हो। आप लोगों में से कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर आपका कुछ डाउट्स या तो क्वेश्चंस है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको आने वाले सारी अपडेट मिल सके। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि एग्जाम के रिलेटेड हर एक अपडेट आपको वहां पे मिल जाएगी।
अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि बाकी लोगों को हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।